दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर पुराने नोट का वैल्यू ज़्यादा हो या हर पुराने नोट का वैल्यू एक जैसा हो, क्योंकि नोट की वैल्यू उसकी रिक्वायरमेंट, कलेक्टर की डिमांड और उसके लिमिटेड एडिशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये सीडी देशमुख का नोट है, बोट का साइन बना हुआ है इस पे, बैक साइड पे बोट बनी हुई है। इस नोट की वैल्यू, एवरेज वैल्यू 35,000 रुपीज़ है। अभी ये एक सिमिलर नोट है बोट वाला, ये बी रामा राव जी के है। इसकी एवरेज वैल्यू 3,000 रुपीज़ है। अभी एक और बी आर रामा राव जी का है, इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 10 रुपया लिखा हुआ है, 10 रुपये नहीं लिखा हुआ है, इनकरेक्ट एडिशन है ये। इसकी एवरेज वैल्यू 600 रुपीज़ है। अभी ये एक सिमिलर नोट है जो मैंने अभी आपको दिखाया उसके जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, 10 रुपये की जगह 10 रुपये हैं जो करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 1,200 रुपीज़ है। सो डिफरेंस उसकी रिक्वायरमेंट और उसके गवर्नर्स और उसकी कलेक्टर की डिमांड के ऊपर होता है। थैंक यू वेरी मच, होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक हो। धन्यवाद।